नमस्कार दोस्तों एंड वेलकम बैक टू माय चैनल जहां आपको मिलता है सिर्फ और सिर्फ एंटरटेनमेंट। और आज मैं लाया हूं एवेंजर्स टॉयलेट का फोर्थ इशू। तो यार वीडियो पे नए हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और साथ ही मेरे चैनल पर ज्वाइन बटन स्टार्ट हो गया है तो आप वहां से भी ज्वाइन कर सकते हो। और उसी के साथ अब आप मुझसे व्हाट्सएप पर भी जुड़ सकते हो जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो यार पिछले इशू में आपने देखा कि कैप्टन अमेरिका टोनी स्टार्क को बचाने जाता है, लेकिन तभी जेम्स स्टार्क कैप्टन पे अटैक कर देता है जिसमें कैप्टन घायल होता है, लेकिन तभी वहां पर थॉर एंट्री मारता है। तो अब आगे ऑलराइट गैंग, तो इशू की शुरुआत वहीं से होती है जहां पिछला इशू खत्म हुआ था। तभी हम थॉर को देखते हैं जो आसमान से नीचे आता है। तभी हमें कैप्टन की आवाज सुनाई देती है जो कहता है कि ये है माइटी थॉर और ये मिस मार्वेल है और अब हम रुक नहीं सकते हैं। तभी कैप्टन अमेरिका जेम्स के पास आने लगता है। तभी जेम्स कहता है मैंने थॉर के बारे में सुना है और आज देख भी लिया, लेकिन वो तो सिर्फ एक बुड्ढा एलियन है। ये कहते हैं जेम्स थॉर पे हमला करने जाता है, लेकिन तभी कैप्टन अमेरिका अपने शरीर से जेम्स के मुंह पर मारता है और कहता है चाहो वही रहो। यहाँ थॉर लैंड होता है। तभी कैप्टन थॉर से कहता है तुम्हें देखकर अच्छा लगा थॉर, अभी हमें राफ्ट को खाली करना है। लेकिन तभी टाइलर कैप्टन से कहता है कि यहाँ एक और प्रॉब्लम हमारी ओर आ रही है। ये कहते हैं वहाँ पर अचानक से दो मिसाइल आके गिरते हैं जिसके कारण वहाँ पर धमाका हो जाता है। तभी ये देखकर वो पायलट अपने साथी से कहता है अच्छा हमला था, फिर एक बार हमला करते हैं। ये कहते हैं वो पायलट हमला करने जाता है, लेकिन तभी वो देखता है कि उसके साथ वाले प्लेन पर अचानक से बिजली गिर गई थी जिसके कारण वो जेट पूरी तरह डैमेज हो जाता है। तभी वो पायलट देखने लगता है ये कैसे हुआ, लेकिन तभी वो पायलट देखता है कि उसके पास थॉर आ रहा था। ये देखकर वो पायलट पूरी तरह से डर जाता है। तभी थॉर उस जेट पर चढ़ जाता है और उस पायलट से कहता है ये एक योद्धा की दूसरे योद्धा से विनती है, जल्दी इस प्लेन से निकल जाओ। ये सुनते ही वो पायलट डर के मारे खुद को इजेक्ट कर देता है। यहाँ राफ्ट में ब्लास्ट होने के कारण अब साइंटिस्ट फंसे हुए थे। तो वही मिस मार्वेल आसमान से आ रहे पायलट को पकड़कर जमीन पर रखती है। यहाँ थॉर दो पायलट को पकड़कर नीचे लाता है और कैप्टन से कहता है आसमान साफ हो गया है, जिस पर टाइलर कहता है ये अच्छी बात है पर खतरा अभी बाकी है, अब यहाँ आर्मी आ रही है। जिस पर कैप्टन अमेरिका टाइलर से कहता है कि आर्मी जमीन पर हमला करती है, यहाँ जरूर नेवी आने वाली होगी। लेकिन तभी कैप्टन देखता है कि जेम्स फिर से खड़ा हो रहा था। तभी देखकर कैप्टन अमेरिका जेम्स से कहता है ये फाइट खत्म हो चुकी है जेम्स, लेकिन तभी जेम्स वहां से भाग जाता है। ये देखकर थॉर अपना हैमर घुमाता है जेम्स को मारने के लिए, लेकिन तभी कैप्टन थॉर को रोकता है और कहता है रुको थॉर, इन लोगों को तुम्हारी जरूरत है, जेम्स को अब जाने दो। ये सुनते थॉर लोगों से भरी हुई शिप को खींच कर लेकर जाता है। उसके बाद हम डिफेंडर्स का वेयरहाउस देखते हैं जहां पर सारे घायलों को लाया गया था। तभी कैप्टन एक और घायल व्यक्ति को लेकर आता है और डॉक्टर रोसा से कहने वाला ही था कि तभी डॉक्टर रोसा कहती है कि मैं पेशे से डॉक्टर हूँ और लोगों को बचाना मेरा कर्तव्य है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हमारे बीच जो हुआ है उसे मैं भूल जाऊंगी। जिस पर कैप्टन कहता है मैं ये बात जानता हूँ, मैं यहाँ घायलों को लेकर आया हूँ और रही बात हमारी तो उस पर बाद में बात करेंगे। तभी वहाँ एमी आती है और डॉक्टर रोसा से कहती है कि कैप्टन ने जिन लोगों को यहाँ लाया है वो गार्ड्स और साइंटिस्ट है, जिन लोगों ने न जाने कितने बुरे काम किए हैं और इन्हें यहाँ लाकर कैप्टन ने और खतरा खींच लिया है। जिस पर डॉक्टर रोजा कहती है कि स्टीव अच्छे में मानता है और उसे लगता है कि बुरे आदमी भी अच्छे रास्ते पर चल सकते हैं। यह बात सुनकर अजीब लगती है, लेकिन जब वो इस बात पर अमल करता है तो उसे देखकर लगता है कि ये वाकई में सही है। यहाँ कैप्टन थॉर और ल्यूक केज टोनी के सर को लेकर खड़े थे। तभी थॉर कहता है मुझे माफ करना क्योंकि मैं पिछली बार तुम्हारी मदद के लिए आया नहीं। जिस पर कैप्टन थॉर से कहता है कोई बात नहीं, एचडे के लिए तुम नहीं आए पर अब आ गए ये काफी है। यार टाइलर टोनी का सर देखता है और कहता है कि हम मिस्टर स्टॉक को वापस ला सकते हैं, लेकिन उसके लिए बहुत टाइम लगेगा। ये सुनते ही थॉर अपना थंडर से भरा हुआ हैमर टोनी पर रखता है जिसके कारण टोनी चमक जाता है और कहने लगता है जेम्स मुझे माफ कर देना। ये सुनकर कमाला टोनी से कहती है कि मैं जेम्स नहीं हूँ कमाला हूँ और सब कुछ ठीक हो जाएगा। तभी टोनी कमाला से कहता है कि मैंने इतने सालों में बहुत कुछ देखा है, मैं सब कुछ देख पा रहा था लेकिन कुछ नहीं कर सकता था। जिस पर कैप्टन अमेरिका टोनी से कहता है इसमें तुम्हारी गलती नहीं है टोनी, अमेरिका का यही हाल है। जिस पर टोनी स्टीव से कहता है
ये हाल बहुत बुरा है, क्योंकि मैं जानता हूँ कि वहाँ कोई जार्विस नहीं है, बल्कि वो तो रेड स्कल है जो जार्विस बन के वहाँ पर है। उसे ही मेरा शरीर मिला और अब वो मिलिट्री पर कब्जा करने वाला है और खुद रेड स्कल बन के राज करने वाला है। जिस पर कमाला टोनी से पूछती है कि अगर इन सब के पीछे रेड स्कल है और वो ही कंपनी और एवेंजर्स चला रहा है, तो पूरी अमेरिका वैसे भी उसके कब्जे में आ चुकी है ना, तो वो बाहर क्यों आ रहा है। जिस पर बुलसा कहती है कि मैं कई सारे बैटल लड़ चुकी हूँ और कई सारे तानाशाहों से मिल चुकी हूँ, उन सब का एक ही लक्ष्य हुआ करता था और वो था कि वो पूरे दुनिया को दिखाना चाहते हैं कि उन्हें किसने अपने घुटनों पर लाया है। ये रेड स्कल भी इनमें से एक है। तभी बुलसा को देखकर थॉर कहता है कि क्या ये नई हॉका है, क्योंकि मैं इसके अंदर ग्रेट वॉरियर स्पिरिट को सेंस कर सकता हूँ। तभी ल्यूक केज कहता है कि ये रेड स्कल पूरा देश चला रहा है और उसके पास मिलिट्री का एक्सेस भी है, तो फिर अगर लोगों को पता चल जाएगा तो भी वे लोग हमें ही मानना चाहेंगे। या हम जेम्स को देखते हैं जो फिर से अपने सारे आर्मर्स बना रहा था। तभी उसे कोई मिलता है और वो शख्स कोई और नहीं बल्कि जार्विस यानी कि रेड स्कल था। तभी जार्विस जेम्स से कहता है कि उसे इसकी जरूरत है, जिस पर जेम्स कहता है कि मुझे बेहतर सूट बनाना है, पर जो चीज मुझे चाहिए वो ईस्ट रिवर के नीचे गिर चुकी है। तभी जार्विस कहता है उन लोगों ने तुम्हें मूर्ख बनाया और अब वो हमसे हमारी कंट्री छीनना चाहते हैं, और अगर ऐसा हुआ तो हमारी सारी मेहनत बर्बाद हो जाएगी। मैं इतना सालों से छुप कर रहा, वो भी बेकार हो जाएगा। तभी जेम्स पूछता है ये अब क्या कह रहे हो, जिस पर जार्विस कहता है मैं तुमसे कहना चाहता हूँ कि मैं अब झूठी लाइफ जीना नहीं चाहता हूँ। मेरा नाम है जोहान स्मिथ, मैं कभी हिटलर का साथी हुआ करता था और तब मैं रेड स्कल था, और आज भी मैं वापस यही बनूंगा। बहुत खेल के लिए अब तुम्हें सच जानने की जरूरत है। वो यहाँ आएंगे और तुम्हारा दिमाग खराब करेंगे, लेकिन उससे पहले तुम्हें जान लेना होगा कि टोनी स्टार्क तुम्हारे पिता नहीं है, बल्कि मैं तुम्हारा पिता हूँ और हम ये मिलकर करेंगे। यह स्टीव अपनी शील्ड फेंक कर प्रैक्टिस कर रहा था, लेकिन तभी वहाँ टोनी आता है जिसके लिए अब रोबोटिक बॉडी बनाई गई थी। तभी स्टीव टोनी से कहता है तुम्हें वापस देखकर अच्छा लगा, जिस पर टोनी कहता है कि ये शरीर अच्छा है लेकिन मैं अब भी इस पर काम कर रहा हूँ। तभी टोनी स्टीव से कहता है मुझे कुछ बातें याद नहीं है, तो क्या तुम बता सकते हो कि जैनेट उस प्लास से बच गई थी। जिस पर स्टीव कहता है पता नहीं, लेकिन हम सब ने यही मान लिया कि वो मर चुकी है। तभी स्टीव टोनी से पूछता है कि तुमने उसे कब देखा था, जिस पर टोनी कहता है पता नहीं, ये एच डे के बाद मेरे दिमाग में कुछ हो गया है। ये कहते हम एच डे देखते है जहाँ पर टोनी जैनेट के साथ था। तभी टोनी कहता है मुझे याद है कि हमने हल को रोका था और फिर अल्ट्रॉन को भी, पर इसमें हमने बहुत कुछ खो दिया। वहाँ पर अब अल्ट्रॉन्स विलन्स थे लेकिन हीरोस नहीं। मैं जानता था कि आगे क्या होने वाला है, लेकिन अब तक जो कुछ हुआ था वो काफी था। मैंने देखा कि किस तरह सरकार हम पर आ गई थी, इसलिए मैं और जेनेट वहाँ से भाग निकले और बॉस्टन पहुँच गए, पर हम जेम्स को भूल नहीं पा रहे थे, इसलिए मैंने एक प्लान बनाया और फिर मुझे सिर्फ दर्द होने लगा। ये कहते हम देखते हैं कि टोनी स्टार्क एक जगह पर गिरा हुआ था और उसे मिलिट्री ने घेर लिया था। यार टोनी कहता है कि मुझे याद नहीं है कि जेनेट के साथ क्या हुआ, हो सकता है कि उसका भी मेरे तरह हाल हो। जिस पर स्टीव टोनी से कहता है कि हिम्मत मत हारो, हम उसे ढूंढ लेंगे। जिस पर टोनी कहता है कि अगर वो मर गई हो तो हम उसकी मौत का बदला अवश्य लेंगे, लेकिन सबसे पहले हमें इस रेड स्कल और जेम्स का कुछ करना होगा। तभी टोनी स्टीव को न्यूज दिखाता है और कहता है कि मैं इस पर और ढूंढ रहा था, तब मुझे बड़ी परेशानी दिखाई दी और वो ये है, ये नए एवेंजर्स। ये लोग स्वयं को एवेंजर्स कहते हैं। जिस पर स्टीव कहता है हाँ वो कहते थे, लेकिन अब और नहीं। या हम ल्यूक केज को देखते हैं जो वेट कर रहा था कि कब टोनी एवेंजर्स मैंशन को हैक कर दे। तभी टोनी कहता है कि मुझे बस एक मिनट चाहिए। ये कहते टोनी एवेंजर्स मैंशन को हैक करता है, लेकिन तभी बुलसाए अपने तीर मारकर डोर खोल देती है। तभी आयरन मैन, थॉर, कैप्टन अमेरिका, मिस मार्वल और बुलसाए अंदर आते हैं। तभी अंदर आते ही मिस मार्वल कहती है कि ये बिल्कुल बदला नहीं है। तभी वे लोग आगे बढ़ते हैं। तभी कैप्टन कहता है कि हमें कमांड सेंटर जाना होगा और वहां से ही नए एवेंजर्स के लिए ट्रैप सेट करना होगा। ये कहते हैं वे लोग कमांड सेंटर आ जाते हैं। तभी देखकर टायलर सबसे कहता है कि ये सब तो ऐसे ही पड़ा है, यानी कि वो जल्दबाजी में गए, तो हो सकता है वो वापस जरूर आएंगे। तभी टोनी वहां के सिस्टम में नए एवेंजर्स की कमजोरी ढूंढने लगता है, लेकिन तभी एवेंजर्स को एक शॉकिंग बात पता चलती है कि ये एवेंजर्स कभी रियलिटी में नहीं थे, वो तो बस होलोग्राफिक इमेज है। ये सुनकर स्टीव को गुस्सा आता है, लेकिन तभी पास की स्क्रीन पर जार्विस आता है और कहता है हाँ ये एग्जिस्ट नहीं करते हैं।
पर हमने लोगों को उल्लू बनाने के लिए ये सब कुछ किया है ताकि लोग लाइन में रहे। तभी कैप्टन जार्विस को देखकर कहता है, स्कल तुम पागल हो। तभी जार्विस कहता है कि मैंने इन्हें जानबूझ के रखा था ताकि पूरी दुनिया के लोग मेरी बात मान सके और अब वे लोग मानने लगे हैं। इसलिए अब मैं इस मैंशन में तुम सारे एवेंजर्स को मार डालूंगा और लोगों से कहूंगा कि एवेंजर्स मर गए हैं और लोग मेरी अब बात मान लेंगे। यह सुनते ही कैप्टन सबसे कहता है, भागो। लेकिन तब तक उस कमांड सेंटर का दौर बंद हो जाता है और वे सारे एवेंजर्स वही फंस जाते हैं। लेकिन तभी थॉर अपना हैमर घुमाता है और उस दरवाजे को तोड़ देता है जिसके कारण एवेंजर्स बाहर आते हैं। लेकिन टोनी नहीं आता है। तभी स्टीव टोनी से कहता है, टोनी जल्दी आ जाओ। जिस पर टोनी कैप्टन से कहता है कि अभी नहीं, मैं स्कल की फाइल चेक कर रहा हूँ। लेकिन तभी वहां पर धमाका हो जाता है। तभी कैप्टन और मिस मार्वल ढूंढने लगते हैं कि टोनी कहां पर है। लेकिन टोनी उस धमाके से बच गया था और तब टोनी स्टीव से कहता है कि मुझे उसका प्लान पता चल गया है और वो उसमें सफल हो गया है। अब तक उसने प्रेसिडेंट को अरेस्ट किया होगा। यह कहते हम देखते हैं कि रेड स्कल की मिलिट्री अब प्रेसिडेंट को अरेस्ट करने जा चुकी थी। यह जार्विस को पता चलता है कि प्रेसिडेंट अब उसके कैद में है। यह सुनते ही जार्विस कहता है, चलो अच्छा हुआ, अब मैं तुम लोगों को उन डिफेंडर्स के बेस का लोकेशन बताता हूँ। तुम लोग वहां जाओ और उन सारे गद्दार को मार डालो। यह सुनते ही जेम्स जार्विस से पूछता है, यह आपने कैसा किया। जिस पर जार्विस अपना नया सूट पहनता है और जेम्स से कहता है कि ये लोग भेड़ की तरह है जिन्हें किसी की जरूरत होती है ताकि वो उन्हें सही रास्ता दिखा सके। वैसे ही इन भेड़ों को भी मेरी जरूरत है और मैं उन्हें ये रास्ता दिखाऊंगा। मैं न्यूज को कंट्रोल करता हूँ और मैं जो चाहूँ वही न्यूज पर दिखा सकता हूँ। लेकिन अब प्रेसिडेंट को उठवाने के बाद लोगों को हम बुरी नजर आएंगे। इसलिए अब समय आ चुका है हमें अपने असली रंग को दिखाने का। अब समय आ चुका है इस अमेरिका पर राज करने का। ये कहते रेड स्कल अपने असली रूप में आ जाता है जिसके पास अब आयरन मैन का आर्मर है। और यही पर यह इशू कंटिन्यू होता है।